गदर 2 का नशा लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। 3 दिन बाद भी सिनेमा घरों में फिल्म धमाल मचा रही है। फिल्म ने पहले 2 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। ऐसा लगता है कि सनी देओल की 22 साल पुरानी फिल्म गदर ने जैसे लोगों के दिलों में राज किया था, वैसा ही फिर हो रहा है। जिस कदर लोगों की भीड़ फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ रही है, उसे देख के तो पता लग गया कि इस साल की ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। गदर 2 के फैंस का कहना है कि वो ये फिल्म 10 बार भी देख लेंगे तो भी मन नहीं भरेगा। फिल्म देखने के बाद लोगों का कहना ये भी है कि फिल्म के डायलॉग, सॉन्ग्स, फाइटिंग सीन सभी ब्लॉकबस्टर हैं। बता दें, बहुत जल्द फिल्म सभी रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है। शुक्रवार को पहले दिन ही गदर 2 ने 40.1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के बाद दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 3 करोड़ का इजाफा किया। फिल्म ने दूसरे दिन 43.08 करोड़ बटोरे और अब फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। माना जा रहा था कि फिल्म पहले दिन तो जोरदार कमाई करेगी और उसके बाद फिल्म के रिव्यू पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म ने तीसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म ने 51.70 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया और ये फिल्म ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज करती रही तो इसके अनुसार 2 दिन में फिल्म 200 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन भी कर लेगी। अभी तक पहले हिंदी सिनेमा में रविवार को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली 2 ही फिल्म थी, पठान और KGF 2, जहां शाहरुख खान की पठान ने पहले संडे को 60 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। वहीं यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 ने 50.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब गदर 2 संडे को सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्मों में दूसरे नंबर पर आ गई है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है। ऐसे में इस फिल्म के कई और रिकॉर्ड अपने नाम करने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के साथ इतिहास रच सकती है। आप भी क्या फिल्म देख के कितना ज्यादा एक्साइटेड हुए और क्या रिव्यू है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।